हेलो दोस्त, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बता रहे हैं अपने चैनल यू एंड मी पे। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा दायरा है दोस्तों, जहां पर आप हर रोज कुछ ना कुछ कमा के लेकर जा सकते हैं। माना इसके अंदर वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी। आप कितना भी वहां पर नुकसान कर लीजिए वो भी कम रहेगा, और कितना भी आप कमा लीजिए वो भी कम रहेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में यदि इंसान को कामयाब होना है तो उसे अपने बेसिक्स पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और इसी चीज को लेकर हमने अपने चैनल यू एंड मी पे बहुत सारी वीडियो डाली, जहां पर हम आपको हेजिंग के बारे में बता रहे हैं, जहां पर हम आपको कैसे एनएससी में और बॉम्बे में हेजिंग करते हैं, फ्यूचर्स में हेजिंग करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो सब चीजों में हम हेजिंग आपको बता रहे हैं, किस प्रकार आप हेजिंग करके पैसे बना सकते हैं, रोजाना का आप कमा सकते हैं। और हमने अपनी सीरीज का नाम भी रोजाना कमाई ही लिखा बनाया हुआ है। तो बेसिक्स पर ध्यान रखते हुए अकॉर्डिंग टू मार्केट हमें चलना होता है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू मार्केट चलेंगे और बेसिक्स पर ध्यान रखेंगे, प्लस करके चलना है। और क्या यहाँ पर शेयर्स करा रहा है, उसका ओपन हाई लो क्या है, उसकी क्लोजिंग क्या आती है, उन चीजों के हिसाब से हम काम करेंगे। तो इंट्राडे में प्रॉफिट हम अवश्य कमा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मेन दिक्कत क्या है दोस्तों, मेन है कल क्या होगा। कल के बारे में हम किसी को भी नहीं बता सकते, तो इसीलिए अगर कल के बारे में हमें पता ही नहीं है तो हमें इंट्राडे काम करना चाहिए और इंट्राडे हमें प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मार्केट के बाद बहुत सारे फैसले होते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट कोई फैसला ले, एनएससी बॉम्बे कोई फैसला ले, कंपनी पर्टिकुलर कोई फैसला ले ले, उसके प्रॉफिट हैं, उसके मार्जिन्स हैं, उसकी कोई एसेट क्वालिटी को लेकर कोई बात हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो एक शेयर की चाल को निर्भर करेंगे, उसके कल के प्राइस को, नेक्स्ट डे के प्राइस को, ओपन हाई लो को प्रभावित करेंगे। तो इंट्राडे प्रॉफिट का कमाने में ये फायदा होता है कि जो भी है हमारे सामने हो रहा है, हमें किसी न्यूज का असर इस पे होगा तो हम उसको चलती मार्केट में तो देख सकते हैं, लेकिन कल क्या होगा उसके बारे में हम नहीं जान सकते। इसीलिए इंट्राडे प्रॉफिट पर हमेशा ध्यान रखें और इंट्राडे काम करने का प्रयास करें। राइट टाइम पे बाई करें या सेल करें और प्रॉफिट कमाएं। और राइट टाइम पे प्रॉफिट कमाते हैं तो इसकी जो स्ट्राइक रेट होता है इंट्राडे प्रॉफिट का, वो 100% तक जा सकता है। क्योंकि इंट्राडे में जो भी न्यूज होगी उसको आप सही कैलकुलेशन करके और सही उसका फायदा उठा सकते हैं। तो हमें आपको इंट्राडे प्रॉफिट के बारे में ही बता रहे हैं। इसमें आपको करना क्या होगा दोस्तों, एक छोटा सा स्टेप भी हम आपको बताएंगे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों एनएससी की साइट पर जाना होगा, या तो आप लाइव मार्केट जाएंगे तो यहां पर भी प्री ओपन सेशन एक ऑप्शन है, वो प्री ओपन सेशन करेंगे तो प्री ओपन सेशन ओपन हो जाएगा। ना देखिए आप यहां पे भी प्री ओपन सेशन मेंशन है, आप यहां से भी प्री ओपन सेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमें मार्केट के बारे में एक डिस्प्ले हो जाएगा, प्री ओपन मार्केट में क्या है। यहां पर जैसे ही आपने देखा कि प्री ओपन मार्केट में यहां पर इतना मूव बना हुआ है, तो एडवांस यहां पर 46 शेयर है, डिक्लाइन पर 3 शेयर है और अनचेंज पर 1 शेयर है। तो इसका मतलब मार्केट यहां पर पॉजिटिव रहने के चांसेस ज्यादा हैं। और यदि मार्केट में पॉजिटिव का चांस ज्यादा है तो इसका मतलब हमें यहां पर प्लस करके चलना चाहिए। प्लस करके चलना चाहिए तो इसका मतलब यहां पर जितने भी शेयर्स मेंशन होंगे वो मोस्टली प्लस के शेयर्स जाएंगे, वो प्लस मार्केट में प्लस ही जाएंगे। जैसे कि सन फार्मा है, इन्फी है, हिंडालको है, एशियन पेंट, लुपिन, ये सब वो शेयर्स दिखा रहे हैं जो प्लस हैं। आज मार्केट के साथ ओपन प्री ओपन सेशंस में इन्होंने अपने आप को प्लस रखा है, पॉजिटिव साइड पर रखा है। तो पुराने दिन का आपको जो लास्ट डे है उसका आपने ट्रेडिंग सेशन है उसका आपने ओपन हाई लो क्लोज देख लिया होगा, उनकी कैंडल्स को आपने देखा होगा। प्री ओपन सेशन में आपने देख लिया कि इसने क्या ओपन हाई लो और क्लोज किया है, यानी कि 9:08 पर आप ये फैसला ले सकते हैं कि यदि इस शेयर की ओपन लो हाई क्लोजिंग यहाँ पे है तो यहां से इससे बाइंग बनेगी या सेलिंग बनेगी। क्योंकि यदि ओपन और हाई दोनों नियर बाई है, तो ओपन और हाई यदि नियर बाई है तो वहां से सेलिंग बनेगी, और यदि ओपन और लो नियर बाई है, दोनों पास पास हैं, तो वहां से बाइंग बनेगी। और आज मार्केट हमने देखा कि प्लस है, तो मोस्टली शेयर्स आप देखेंगे तो इनका ओपन और लो वो नियर बाई होंगे। इससे मतलब यहां पर हाई जाने के चांसेस ज्यादा रहते, ओपन हुआ वहीं पर इसका नियर बाई इसका लो भी है और यहां से मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये शेयर्स भी यहां से ऊपर जा सकता है। तो यहां पर बहुत सारे शेयर्स आप छाड़ सकते हैं, जैसे कि यस बैंक है, एनटीपीसी है, डॉक्टर रेड्डी, यूपीएल है, आईसर है, सिप्ला है, हीरो मोटर, एसबीआई है। इन शेयर्स में आप यदि आज ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इंट्राडे प्रॉफिट
कमाने के लिए आप यदि इस प्री ओपन सेशन का बेस बनाकर काम करते हैं तो आप बहुत बेहतर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है अपनी रोजाना कमाई की सीरीज में, जिसमें आप प्री ओपन सेशन में और इंट्राडे में प्रॉफिट कैसे कमाएं, इसके लिए एक छोटा सा हमने आपको व्यू रखा है कि किस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाकर आप इंट्राडे में 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस आपको ओपन हाई लो क्लोज चेक आउट करना है लास्ट डे का, और जो प्री ओपन सेशंस है 9:08 पर प्री ओपन सेशंस में जो रेट है वो स्टेबल हो जाते हैं। मार्केट के हिसाब से आपको प्लस शेयर्स जाने हैं या माइनस शेयर्स जाना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यदि मार्केट प्लस साइड गई है तो आप प्लस शेयर लें, और यदि मार्केट माइनस शेयर जाने की संभावना है तो माइनस शेयर लें, क्योंकि मार्केट के हिसाब से अगर शेयर्स चल रहा है तो वहां पे एडजस्टमेंट जल्दी की जा सकती है। तो दोस्तों आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो इंट्राडे प्रॉफिट का जो हमने कैलकुलेशन करके बताया आपको कैसा लगा, हमें जरूर मैसेज करें या इनबॉक्स में आप जरूर मैंशन करें। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपके कोई भी सवाल है जवाब है तो हमें जरूर भेजें, और हम आपका पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल्स को देखते रहिए, यू एंड मी पर हम आपको और भी अपडेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू एंड मी।